अपने हाथों को काम चाहता है और ये सबसे बड़ी तक है एक प्रदेश चौपट प्रदेश बनेगा। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट समझ लिया, गरीबी में बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना बिजली के, पर इन नौजवानों में एक तड़प है। आज का नौजवान देश, देश में मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश। चार लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला है, जो 15x15 का प्लाट मिल जाता, हमारा पूरा गांव में गांव डूब में चले गए, लग जाए कि स्थायी रोटी मिल जाए। हमें मंत्री की भीख नहीं चाहिए, चार थाली नहीं चाहिए, चार पूरी नहीं चाहिए, हमें एक धोती नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब एक सप्ताह का समय बचा है। प्रचार में प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। गुरुवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा और बंडा विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के समर्थन में सभा की। उन्होंने राहतगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुर्खी की पहचान सौदे से है। याद रखिएगा, आप लोगों को कैसे गुलाम बनाकर रखा गया, उस समय मैं मुख्यमंत्री था लेकिन मैं सौदे की सरकार नहीं चलाना चाहता था। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी मैं मंत्रिमंडल में था, मैंने 8000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। अगर वह 8000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं हुआ होता तो यह मांगे आपको नहीं रखनी पड़ती। कितना बड़ा घोटाला हुआ, घोटाले की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार आपके सामने है, पैसे दो काम लो। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जिसमें आप हैं भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। मध्य प्रदेश को उन्होंने भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। चौपट प्रदेश, चौपट व्यवस्था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, खम्भे में तार नहीं है, तार में बिजली नहीं है। यह हालात है हमारे मध्य प्रदेश की। नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी चुनौती है। बंदा में कमलनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको तरवर नहीं बताएगा। मुझे किसी ने कहा तरवर लोधी भी सौदा करने गए हैं, तरवर लोधी भी सौदा कर सकता है। मैंने तरवर को फोन किया, तरवर ने कहा मुझे 20 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। मैंने जवाब में कह दिया मुझे 120 करोड़ भी दे दे तो मैं नहीं आने वाला। यह तरवर लोधी है जिन्होंने कांग्रेस के प्रति, आपके प्रति ईमानदारी की, उन्होंने आपका सम्मान रखा। अगर वह सौदा कर लेते तो आप कहते थे हमने तो एक बिकाऊ को चुन लिया है। यह आपका सम्मान इन्होंने रखा जो इनको खरीद नहीं पाया, जिन्होंने इन्हें लंबे चौड़े अवसर दिया, इन्होंने उल्टा उनको ऑफर दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज बनाया था। ये बुंदेलखंड पैकेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। 8000 करोड़ रुपए कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं सुर्खी में ये 8000 करोड़ रुपए का एक कौड़ी भर फायदा हुआ? एक कौड़ी भर फायदा नहीं हुआ, केवल ये घोटाला पैकेज बन गया। घोटाला पैकेज भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन गया। और ये तो देखिए, आज भ्रष्टाचार सबसे भ्रष्ट प्रदेश, देश में मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश, आप सब आए हैं, आप सब भ्रष्टाचार के शिकार हैं या गवाह हैं? आप गवाह हैं या आप शिकार हैं भ्रष्टाचार के? नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार। एक प्रदेश चौपट प्रदेश बन गया। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारी रोजगार व्यवस्था चौपट। समझ लिया, गरीबी में बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना बिजली के, पर इन नौजवानों में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज मुझे दुख होता है, पीढ़ी का व्यापार बड़ा व्यापार है, सारे कैसे दे, पर जो 50-100 साल से बीड़ी का व्यापार कर रहे थे आज भी बीड़ी का व्यापार कर रहे हैं। हालत देखिए, कोई सुधार नहीं, कोई प्रगति नहीं, ये आप सबके सामने है। तो जब मैं कहता हूं नौजवानों का भविष्य, सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की, और मैं तो आप नौजवानों को कहना चाहता हूं
जो अधिकार छिंदवाड़ा के नौजवानों पर है मुझ पर, वो अधिकार आपका भी होगा नौजवानों। और याद रखिएगा, ये मैं सब जगह नहीं कहता, कि ये काम खत्म हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी ताकत आप है, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा वाला है, उसके पास घमंड है, अत्याचार है, मेरे पास केवल आपके चरणों में झुकाने के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे राजकुमार भाई को, धारा वाले को जेल भिजवाया गया, फिर से मुकदमा लादे गए, और मैं अपने कमलनाथ जी परम आदरणीय से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनने पर हमारे राजू पटेल को, हमारे राजकुमार भैया को हजारों के लिए मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, इनका हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा, आपको इनके मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। हमारे किसानों को 4 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला है, जो 15x15 का प्लाट मिल जाता, हमारा पूरा गांव बेघर डूब में चले गए, हमारे किसान बेघर हो गए, और जब मंत्री के पास किसान गए तो मुकदमा दर्ज करा दिए गए। आपसे निवेदन है कि इनको जांच मुआवजा मिले, इनके मकान बने, इनको आईडी बने, और साहब सुर्खी में 20 से 25 हजार लोग बाहर काम करते हैं, कोई इंदौर में, कोई गुजरात में, कोई जयपुर में, कोई इनके लिए रोजगार मिल जाए, हमारे युवाओं के लिए जिसमें 2-4 उद्योग लग जाए, कि स्थायी रोटी मिल जाए, हमें मंत्री की भीख नहीं चाहिए, 4 थाली नहीं चाहिए, 4 पूरी नहीं चाहिए, हमें 1 धोती नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए। किसानों की सुविधा के लिए मंडी अच्छी होना चाहिए, हमें स्कूल अच्छी चाहिए, हमें अस्पताल अच्छी चाहिए। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं साहब, बड़ी बात बड़ी बड़ी का काम चलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।